हाँ जी हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आर्टिस्ट। आज ना मेरे पास ये बनने आए थे मास्क। मैंने पहली बार ये मास्क बनाए हैं। देखो, ये जो तोल वाला कपड़ा होता है ना, मोटा कपड़ा, वो है। तो इस पर उन्होंने बोला था कुछ वाइट कलर से ये लिखना है या कुछ फ्लावर बनाने हैं, तो ये मैंने बनाए और पहली बार बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो ये वीडियो बनाती हूँ, भी आपको भी बताती हूँ मैं ये कैसे बनाए। मैं उसको इनकार कर रही थी कि मुझसे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो मैंने पहले कभी बनाए नहीं, और दूसरी बात ये है कि भी ये सिलाई हो गई और इसको मैं ना तो ऐसे रख पा रही थी, ना इस पर फ्रेम लग सकता था। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने इसको ऐसे किया और फिर धीरे धीरे बनाने की कोशिश की, और ये देखो ये मेरे से बन गए। बस इसमें ये है कि ये ना कलर पी जाता है ये कपड़ा, इसमें ना कलर जो है ना ये देखो, एक बार सूखने के बाद इसके ऊपर एक बार फिर कोट करना है। जब एक बार हम इस पे ये करेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि किया ही नहीं है, मतलब फीका हो जाएगा ये। फिर इस पर एक बार दोबारा कोट करेंगे, जैसे ये सूख जाएगा तो फिर इसके ऊपर फिर दोबारा करेंगे ऐसे। ये देखो, अब आपको पता ही है कि कोरोना कितना फैल रहा है, सुन रहे हैं, तो इस वजह से ये किसी लेडीज़ ने बनवाए हैं और इकट्ठे ही सारे बनवाए हैं। ये देखो आप, ये एक बार मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, ये देखो लिखा है। फिर ये जब सूखेगा ना, फिर इस पर एक और कोट करूँगी मैं। अपना अपना शौक होता है, कई जो है हर चीज़ को थोड़ा अच्छे से तैयारी करके ये देखो आपको दिख तो रहा है ना, ध्यान इसी आपको। अभी मैं नई नई वीडियोस बनाने लगी हूँ, अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि वीडियो जो है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भी कोई भी कुछ भी आपको बता राय देनी हो। ये देखो, एक बार ये कोट होने के बाद फिर इस पर ऐसे धीरे धीरे दोबारा कर लूँगी। अब एक और आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप घर पर ट्राई करके फिर मुझे बताना। ये देखो, पहले मैंने ये मोटे ब्रश से बनाए थे, अब मैंने ये बारीक ब्रश से बनाए हैं। ये देखो, ये आपके सामने बन चुके हैं और ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है सूट तैयार हैं। अगर आपको भी कोई ऑर्डर पर बनवाने हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।